तो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज से आने वाला तरफ से एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इंडियन मार्केट में इस स्कूटर का काफी अच्छा खासा सेल भी होता है। जून 2023 में इस स्कूटर का 7000 यूनिट बजाज ने सेल किया था और चेतक इलेक्ट्रिक को इंडियन मार्केट में और ज्यादा सेल करने के लिए बजाज स्कूटर के बेस ट्रिम को एक हब मोटर के साथ लॉन्च करने वाली है। तो क्या रहेगा इस न्यू मोटर का स्पेसिफिकेशन और क्या अपकमिंग बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इंडियन ईवी मार्केट में बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन के चलते बजाज अपना चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कुछ खास नहीं कर पा रही है और बजाज अपना चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेल को बढ़ाने के लिए रिसेंटली इसका प्राइस में भी काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया था। पहले बजाज चेतक इलेक्ट्रिक के दो मॉडल्स इंडियन मार्केट में मिलते थे, पहला था बेस मॉडल और दूसरा था प्रीमियम मॉडल, और इस स्कूटर का प्राइस रेंज था 1.22 लाख रुपीस से शुरू होकर 1.52 लाख रुपीस। लेकिन 2023 में बजाज ने अपना चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया और जो प्रीमियम मॉडल था उसी में डिस्काउंट देने लगा। अभी का डेट में जो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का प्रीमियम मॉडल है वो आपको 1.3 लाख रुपीस में मिल जाती है और अब बजाज अपना चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेस मॉडल को एक पीएमएस हब मोटर के साथ लॉन्च करने वाली है। अभी का डेट में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक स्विंग आर्म माउंटेड बीएलडीसी मोटर मिलता है और उसी को रिप्लेस करके एक पीएमएस हब मोटर दिया जाएगा और इस हब मोटर के चलते बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट भी काफी अच्छा खासा कम हो जाएगा। चलिए अब अगर बात करें इस न्यू हब मोटर की कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो पावर इसमें आपको मिलेगा 4.2 किलोवाट, ये इस मोटर का पीक पावर है, और रेटेड पावर की बात करें तो 4 किलोवाट का रेटेड पावर आपको इस हब मोटर में मिलने वाली है। बैटरी पैक की अगर बात करें तो बैटरी पैक आपको न्यू आने वाले स्कूटर में सेम बैटरी पैक मिलने वाला है, जो पहले 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था वही बैटरी पैक आपको न्यू बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में मिलने वाली है। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो अभी का डेट में जो बीएलडीसी मोटर के साथ बजाज चेतक इलेक्ट्रिक आ रही है इसमें आपको 63 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है, लेकिन जो हब मोटर आने वाली है उससे बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में आपको 60 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलेगा। रेंज की अगर बात करें तो न्यू अपकमिंग बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में आपको 108 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है, जो कि सेम है अभी करंट मॉडल के साथ। डिजाइन के मामले में हब मोटर और स्विंग आर्म के अलावा और कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिख रही है। सेम एलईडी लाइटिंग, सेम एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ओटीए अपडेट जैसे फीचर्स सेम रहने वाली है। न्यू अपकमिंग चेतक इलेक्ट्रिक के डायमेंशन की अगर बात करें तो सेम डायमेंशन मिलने वाली है जो कि अभी के डेट में बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में आपको मिल रही है। चलिए अब अगर बात करें न्यू अपकमिंग बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की लॉन्च डेट के बारे में, तो इस स्कूटर को 2024 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे न्यू हब मोटर के साथ क्या आप बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को खरीदना चाहोगे, कमेंट पर जरूर बताइए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।